सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज एमजेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया आपके लिए Nikon का D3500 DSLR कैमरा। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं क्या क्या है बॉक्स कंटेंट, जानेंगे इस कैमरे के बारे में। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो लेंस के साथ आया है, सो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या फीचर है इस Nikon D3500 के। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये है बॉक्स D3500 का जो कि है Nikon की तरफ से, एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है इसके साथ 16GB का मेमोरी कार्ड आता है एंड एक कैरिंग केस जो कि यहाँ पड़ा हुआ है ऑलरेडी। सो ये कैमरा दो किट लेंस से आता है, एक है 1855mm एंड सेकेंड वन इज 700 और 300mm। दोनों ही VR है, VR का मतलब यहाँ वाइब्रेशन रिडक्शन है। सो दोनों ही लेंसेज वाइब्रेशन रिडक्शन के साथ आते हैं एंड साइड पे मेंशन किया गया है इसमें ब्लूटूथ है एंड मेड फॉर आईफोन आईपैड एंड आईपॉड, एंड्रॉयड के लिए भी है। एंड एक्सेसरीज इंक्लूडेड है इसमें, एक स्ट्रैप है, रिचार्जेबल लाइन बैटरी, बैटरी चार्जर, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड है तीनों चीज़ों के लिए। एंड जो यहाँ पे प्राइसिंग लिखी गई है वो है 53,950। सो मैं बताऊँगा आपके वीडियो के एंड में मेरे को ये कितने का मिला। ओपन करते हैं इसको जल्दी से, एंड जो स्टार्टिंग में पड़ा है यहाँ पे पेपर वर्क्स हैं, जो ये तीन चीज़ें हैं, तीन वारंटी कार्ड है, ये हमारे बड़े लेंस के लिए, ये छोटे लेंस के लिए और ये Nikon के कैमरे के लिए। सो इसको रखते हैं साइड में। यूज़र मैनुअल, यहाँ पे कुछ और पेपर वर्क, तो इनको साइड में रखते हैं, हम मेन बॉडी की तरफ आते हैं। सो यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो यहाँ पे हमारी मेन बॉडी, हम निकाल लेते हैं इसको बाहर। सो ये मेन बॉडी है, कुछ रैपिंग की गई है इसकी। इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। यहाँ पे है एक जो 18mm एंड 55mm का प्राइमरी लेंस, उसके बाद आता है हमारा बड़ा लेंस 70-300mm रेंज का, आफ्टर दैट यहाँ पे एक चार्जर रखा गया है। साथ में शोल्डर स्ट्रैप Nikon की ब्रांडिंग के साथ, लिथियम आयन बैटरी, ये है 1230mAh की, एंड यहाँ पे लास्ट में हमारा मेमोरी कार्ड 16GB का जिसके साथ है। बॉक्स साइड आते हैं अपने मेन कैमरे के ऊपर और साथ में ये दिखा दूँ आपको, ये बैग है, इसके अंदर भी शोल्डर स्ट्रैप मिला है जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें इंक्लूड है इस बॉक्स के अंदर, तो हम पहले फोकस करते हैं मेन कैमरे के ऊपर। सो बात की जाए कैमरे की, ये उन्हें जो पिछले इनका मॉडल था D3400 उससे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज है इसका, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ग्रिप है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप कर दिया लास्ट कैमरे की कंपेरिजन में। सो बात की जाए कैमरे की, तो यहाँ पे आता है APS का CMOS का 24.4 मेगापिक्सल का कैमरा, एंड यहाँ पे आता है साथ में 5 FPS की शूटिंग मिल जाती है, एंड आप साथ ही साथ 1080p एट 60 FPS इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फुल HD में। तो यहाँ पे इमेज प्रोसेसर आता है वो है X-Speed 4, जो कि देते हैं आपको 11 ऑटो फोकस पॉइंट्स, एंड इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको, यहाँ पे वाईफाई और NFC की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, एंड साथ में मिलता है आपको माइक्रो USB केबल का जैक, एंड साथ ही में माइक्रो HDMI केबल का जैक। सो आप यहाँ से HD वीडियो को आउटपुट ले सकते हैं, यहाँ से आप अपना USB केबल कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है थ्रू केबल, अदरवाइज आप इसमें ब्लूटूथ से कर सकते हैं, और आपको उसके लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है स्नैपब्रिज। और यहाँ पे साइड में एक स्लॉट है मेमोरी कार्ड के लिए, सो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं अपना मेमोरी कार्ड,
एंड नीचे की साइड यहाँ पे बैटरी का स्लॉट है, जल्दी से इसको बैटरी डाल के बूट अप करते हैं, देखते हैं इसके फीचर्स अंदर क्या क्या हैं। तो यहाँ पे इसका शटर बटन है, साथ में ऑन ऑफ का बटन भी है, एंड यहाँ पे ऑन हो चुका है ये। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है कोई लेंस अटैच नहीं है, तो इसको अटैच कर लेते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसे अटैच करना है। पहले तो आप इसका कवर हटाइए एंड इसकी भी। तो जो ये आप यहाँ पे वाइट डॉट देख रहे हैं, इस वाइट डॉट को इस वाले वाइट डॉट से मैच कराना है, जैसे ही देख सकते हैं आप इसके ऊपर आ गया है। एंड उसके बाद उसको लेफ्ट में रोटेट करना है। तो फिर भी ये बोलेगा बिफोर टेकिंग द फोटोज रोटेट द जूम रिंग। तो यहाँ पे जो ये जूम रिंग है इसको आप 18 तक लेके आएंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी मैंने कवर नहीं हटाया, 1 मिनट। तो यहाँ पे ये आ चुका है। एपरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे जो मिनिमम एपरेचर है वो है 22 का, F22 का। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये F22 का अपर्चर है मिनिमम। एंड मैक्सिमम अपर्चर जो छोटा वाला लेंस है उसमें 3.5 का है। एंड बात की जाए शटर स्पीड की, तो मैक्सिमम शटर स्पीड इसकी है 1/4000। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम 1/4000 की आपको मैक्सिमम शटर स्पीड मिलती है। एंड ISO इसमें है 100 से लेके 25600 तक। इसकी LCD स्क्रीन है वो है 3 इंच की। एंड आपको स्पेक्स लगे हैं तो जो ये आईपीस है इसकी आप पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको क्लियर देखना है तो। बात की जाए यहाँ पे मोड्स की, तो यहाँ पे अलग अलग मोड्स हैं। मैनुअल है, इफेक्ट है, नाइट पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स मोड, पोर्ट्रेट मोड, ऑटो फ्लैश, यहाँ पे ऑटो मोड आ जाता है। एंड साथ में गाइड है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या करना है। शटर प्रायोरिटी मोड एंड अपर्चर प्रायोरिटी मोड। दूसरी लेंस की तो यहाँ पे आता है आपको 70 से लेके 300 mm तक की रेंज। एंड अगर आप चाहते हैं थोड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना, नॉर्मल फोटोग्राफी, तो आप इससे कर सकते हैं। मॉडल है AFP निकॉन का 70 300 mm। यहाँ पे जो अपर्चर मिलता है वो आपको मिलता है 4.5 से लेके 6.3 तक, सॉरी। एंड ये भी VR है तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो चार्जर मिलता है यहाँ पे, इसकी आउटपुट है 8.4 वोल्ट। सो ये यहाँ का नहीं है, ये मलेशिया में बना हुआ है। तो जो यहाँ पे इसके ऊपर अडेप्टर लगा है वो इंडियन लगा है। अगर आप इसको हटाएंगे तो अंदर आपको जो मलेशिया में यूज़ होता है वो वहाँ पे मिलेगा पोर्ट। ये स्ट्रैप है, शोल्डर स्ट्रैप कैमरे के लिए। एंड आप इसको एक को यहाँ पे एंड एक को यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शॉट्स जो मैंने इसी DSLR से लिए हैं। सो देखिए, गाइज अगर आपको इसका लेंस चेंज करना है, तो लेंस चेंज करने के लिए जो यहाँ पे साइड में आप बटन देख सकते हैं, और इसको प्रेस करेंगे एंड जो लेंस है उसको रोटेट करेंगे राइट साइड में। तो जैसे ही रोटेट करेंगे आप ये खुल जाएगा। एंड जो ये मेन पार्ट है इसका मिरर, गाइज इसमें ध्यान से भी आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इसको। आप जब टच नहीं कर सकते हैं आप इसको, अगर टच करेंगे तो आपको ये प्रोफेशनल से ठीक कराना पड़ेगा, साफ़ कराना पड़ेगा। एंड फिर से सेम वही फंडा, जो यहाँ पे वाइट डॉट है उसको वाइट डॉट से मैच करना है, रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे अटैच हो गया है हमारा बड़ा वाला लेंस। ये 300, यहाँ पे 70। सो गाइस जो इसकी ग्रिप है वो बहुत ही सही है, एंड फोटोग्राफी करते हो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। एंड जो कि ये बहुत ज़्यादा हल्का है, सो आप इसको बर्डन नहीं फील करेंगे जब कैरी करोगे, आप थकोगे नहीं। एंड जो इसका अपर मॉडल है D5600, उसकी जो बैटरी बैकअप है वो नियर अबाउट 500 to 600 इमेज आप क्लिक कर सकते हैं उसमें। बट जो ये है D3500, आप इसमें अप टू 800 to 900 इमेज क्लिक कर सकते हैं सिंगल चार्ज पे। सो जो कि बहुत अच्छी बात है, जब आप कहीं जा रहे हो घूमने या फिर आपको सिंगल सेम डे ट्रैवल करके वापस आना है, तो आप ये चीज़ बहुत ही बढ़िया आपके लिए कैमरा।
एंड ये एंट्री लेवल है, सो जो भी करना चाहता है बाय इसको कर सकता है विदाउट एनी डाउट। सो गाइस ये थी क्विक अनबॉक्सिंग इस निकॉन D3500 कैमरा की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हुई तो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई भी डाउट आपका DSLR के बारे में अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो अगर कोई भी आपकी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके। सो मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा कि आपको कौन सा DSLR खरीदना चाहिए एंड कौन सा नहीं। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियोस एंड मोर एडवेंचरस वीडियोस लेके आता रहूँ। सो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।